दुर्ग महापौर ने बारिश से पूर्व शंकर नाला में हो रहे सफाई कार्य का किया निरीक्षण। इस अवसर पर उपस्थित निगम अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। आगामी दिनों में बारिश के चलते वार्डों में होने वाले जलभराव की स्थिति से निपटने शहर के सभी नाली नालों की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुर्ग के सबसे बड़े नाला शंकर नाला का दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम अधिकारियों के साथ नाले की हो रही सफाई स्थल पहुँचकर जायजा लिया। बता दें कि बारिश से पूर्व नालों की सफाई के लिए किए जा रहे कार्यों का महापौर धीरज बाकलीवाल ने दुर्गा चौक शंकर नाला पहुंचकर निरीक्षण कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम के पास वर्तमान में करीब 20 दिन का समय है, समय को ध्यान में रखते हुए कार्यों को पूरा करें। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने बताया कि शहर के जिन स्थानों पर बारिश के समय में नालियों व नालों में पानी भर जाता है, उन स्थानों का निरीक्षण कर बरसात से पूर्व साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। महोदय द्वारा आज सभी अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया और वहाँ पे शंकर नाला मतलब वार्ड क्रमांक 10 से आगे में जहाँ गाड़ी चल रही थी मिनी चेन एक्सकेवेटर मशीन, वहाँ पे महापौर जी ने अपने संयुक्त रूप से निरीक्षण के दौरान देखा गया और कड़े निर्देश भी दिए गए कि नाले की सफाई जो है वर्षा ऋतु के पूर्व पूर्ण रूप हो जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की जो है लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।